सीवियर मेडिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। अक्सर हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक बहुत सीवियर हुआ, बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। या उसको हार्ट अटैक थोड़ा सा हुआ। हमें समझना चाहिए कि थोड़ा या ज़्यादा चीज़ क्या है। हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक ही होता है, तो ये कम या ज़्यादा की कहाँ से बात आ गई। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट को जो ब्लड फ्लो मिलता है वो कैसे मिलता है। हार्ट है, हार्ट में से एक एओर्टा निकलता है जो ब्लड वेसल है, जहाँ खून लेके जाता है। ये ऊपर जाके फिर नीचे आता है और पूरे शरीर को वहाँ से ब्रांचेस मिलती हैं। जैसे एक नदी है, नदी से और छोटी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं और होता है। तो ऐसे ही हार्ट में है कि ब्लड वेसल निकलता है, बड़ा ब्लड वेसल होता है, उससे छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं और उसके छोटे ब्रांचेज होते हैं, वो सारे शरीर को ब्लड फ्लो दे देते हैं। तो इसी जो निकल रहा है, इसी से ब्रांचेज निकलती हैं जो हार्ट को अपने आप को ब्लड फ्लो देती हैं। आखिर हार्ट भी तो एक मसल है, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है और उसको भी खून की ज़रूरत है। खून जो उसे ऑक्सीजन देता है, उसे न्यूट्रिशन देता है, उसे हार्मोन देता है, तो उसको भी ब्लड की ज़रूरत है और ये ब्रांचेस से मिलती है। और अगर आप ये समझिए कि एक बड़ा ब्लड वेसल है, उससे छोटे ब्रांचेस मिले, उससे और छोटे हुए। अगर बिल्कुल छोटे ब्रांचेस में अटैक होता है तो थोड़े से हिस्से में होगा, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर बड़े में होता है तो ज़्यादा हिस्सा हो जाएगा। अगर बिल्कुल ऊपर जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे अटैक हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ट का हिस्सा जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। आप ये सोचिए कि सतलुज है, ऊपर से आ रही है नंगल से, अगर वहीं से पानी बंद कर दिया जाए तो पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको पानी नहीं मिलेगा और वहाँ की फसलें हैं उसको प्रॉब्लम आ जाएगा, फसलें मर जाएंगी। वही अगर लुधियाना में आके जहाँ से क्रॉस कर रहा है सतलुज, वहाँ से हुआ तो जो नंगल और लुधियाना के बीच में एरिया है वो बच जाएगा और उसके आगे का एरिया है वही इफेक्ट होगा। और वही अगर बिल्कुल आगे जाके जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर आ रहा है, अगर वहाँ पे जाके ब्लॉकेज होता है सतलुज में, तो थोड़ा सा हिस्सा इफेक्ट होगा। तो अगर इसको हम शरीर में हार्ट के मुताबिक सोचें, अगर नंगल में होता है, मतलब शुरू में होता है, ब्लड वेसल में होता है, तो मैसिव हार्ट अटैक होगा, बड़ा हार्ट अटैक होगा और इतना ज़्यादा एरिया इफेक्ट हो जाएगा कि शायद बचना मुश्किल हो जाए। उसको हम सीवियर हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक कह सकते हैं। वही अगर लुधियाना में हुआ तो कुछ हिस्सा बच गया, कुछ इफेक्ट हो गया, उसको हम मॉडरेट हार्ट अटैक कह लेंगे, दरमियाना कह लेंगे, जहाँ कि बचने का चांस ज़्यादा होता है। और वही अगर बिल्कुल सतलुज के एंड में हुआ तो थोड़ा सा हिस्सा इफेक्ट होगा और थोड़ा सा हिस्सा इफेक्ट होने के कारण थोड़ा सा हार्ट का एरिया डैमेज होगा और डेथ का चांस कम हो जाएगा। यही पूरी कहानी है छोटे बड़े या मैसिव हार्ट अटैक की। और इसको हम दूसरी तरह भी समझने की कोशिश करें, अगर शुरू में हुआ तो ब्लॉकेज है, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा ब्लॉकेज की बात करें, अगर शुरू में है तो ज़्यादा एरिया इफेक्ट होगा और थोड़ा सा चलने पे शरीर में दर्द होगा, एंजाइना होगा। अगर वही आगे हुआ, मॉडरेट ब्लॉकेज कह लो, तो ज़्यादा चल पाएंगे और अगर बिल्कुल एंड में होता और ज़्यादा चल पाएंगे। अगर ब्लॉकेज 70% से कम हो तो थोड़ा सा हिस्सा इफेक्ट होगा और हम दौड़ेंगे तब हमें दर्द होगा। अगर कोई 80% के करीब हो जाए तो हमें चलने पर भी दर्द होना शुरू हो जाएगा और अगर 90% हो जाए तो बैठे बैठे हो जाएगा। जहाँ घर आम हम लोग जो काम करते हैं, बाथरूम गए, खाना खाया, उसमें हो जाएगा। और अगर बैठे बैठे ही हो जाए तो समझ लो कि 99 के आसपास है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कहोगे एंजियोग्राफी किया था मिस्टर एक्स का
और उसको दर्द तो कोई भी नहीं था, लेकिन एंजियोग्राफी में 99% ब्लॉकेज था। इसलिए ये भी जरूरी है देखना कि सिर्फ ब्लॉकेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये देखना है कि उस एरिया को कहीं और से ब्लड तो नहीं मिल रहा। जैसे सतलुज में ब्लॉकेज आ गया, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खेत में पानी नहीं आएगा, लेकिन ट्यूबवेल तो है, वहाँ से तो पानी आ सकता है, बारिश भी तो पड़ सकती है। तो अगर कहीं से भी आप ब्लड मिल रहा है तो 99% 100% में भी हो सकता है कि किसी को दर्द ना हो। तो इस पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एंजियोग्राफी की क्या वैल्यू है? 99% है और उसको कोई तकलीफ नहीं है, और दूसरा है 70%, 60%, 50% है और उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ब्लॉकेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉकेज के अलावा हमें देखना है ब्लड फ्लो कैसे है। ब्लड फ्लो में जो मैंने बाकी चीज़ें बतलाई थी वो है। शरीर में भी ऐसे ही होता है, जब जब ब्लॉकेज बढ़ता है, उम्र के साथ ब्लॉकेज बढ़ता रहता है, उम्र के अलावा हमारा रहन सहन, खाना पीना, स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस सबसे हम लोगों का ब्लड फ्लो ब्लॉकेज बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता है, कुदरत, नेचर, भगवान एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता है, नेचर हमें ट्रीट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो जैसे ब्लॉकेज बढ़ता है, थोड़ा सा हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फ्लो बढ़ जाता है, और थोड़ा सा हुआ तो नेचर जो है, हम छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो है, जो जन्म से बने हैं लेकिन खुले नहीं हैं, उनको खोल देता है, जो रिजर्व पड़े हैं। भगवान ने बहुत रिजर्व दिया हुआ है, इतना भगवान बेअंत है कि सोचो, हम सोच भी नहीं सकते, उसने इतना हम लोगों के लिए किया है। और ये सब प्रॉब्लम तब आते हैं जबकि हम नेचर से दूर हो जाते हैं। तो जैसे ऐसे ब्लॉकेज बढ़ते हैं, कोलेट्रल बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल जो है खुलते भी हैं, नए भी बनते हैं, और एक बैलेंस बना रहता है। किसी किसी का ऐसा अच्छा बैलेंस होता है कि 99-100% ब्लॉकेज हो गया लेकिन उसे कभी पता नहीं चला क्योंकि नेचर ने उसे ट्रीट कर लिया। लेकिन हम लोग जो हैं इतने लापरवाह हैं, इतने हम नेचर से दूर चले गए हैं, अपना ध्यान नहीं रखते कि कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जितनी ब्लॉकेज बन रही है उसके मुताबिक जो कोलेट्रल बन रहे हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाते, वहाँ पे हमें एंजाइना शुरू होता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर केयर रखें, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, खाना पीना अच्छा रखें, स्ट्रेस ना ले, अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसका ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर हम लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल करें तो बहुत से लोगों में जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो कम की जा सकती है, किसी से बंद की जा सकती है। और डायबिटीज़ भी अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह फॉलो करें नेचर को, अपने लाइफस्टाइल को, तो बहुत से लोगों में देखा गया है कि डायबिटीज़ की दवाई भी कम की जा सकती है, किसी किसी में तो कंप्लीट रिवर्सल भी हो जाता है डायबिटीज़ का। तो अगर हम लोग अच्छा ध्यान रखें इन चीज़ों पे, तो हम लोग ब्लड प्रेशर भी रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ भी रिवर्स करते हैं, हार्ट डिजीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप ध्यान रखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ आपका लाइफस्टाइल में हेल्प करेंगे, ताकि आप एक सेहतमंद व्यक्ति रहे। सेहतमंद का मतलब है कि हर तरह से सेहतमंद, फिज़िकली सेहतमंद हो, मेंटली सेहतमंद हो, और हर तरह की आपको हैप्पीनेस हो। हेल्दी जो होगे अपने से हैप्पीनेस हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें इनकरेज करिए, एक छोटा सा लाइक का बटन दबा के, एक सब्सक्राइब का बटन दबा के, और शेयर करें तो बस बात ही क्या है। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगा, और ये भी कमेंट में लिखिए तो बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी मिलेगी। और ये भी हमें बताइए कि आप और कौन से विषय पे वीडियो सुनना चाहेंगे, वीडियो देखना चाहेंगे, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।